बसमन रही वेलकम टू योर ओन शो आप सबको किसान मददगार और कॉन्के वे तरफ से असलम आज के जो प्रोग्राम है उसमें बात करने के लिए आज हम स्टार्ट लेते हैं क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि अभी खरीफ का जो मौसम है वो शुरू हो गया है हमारा सीज़न स्टार्ट है और खरीफ की जो फसलें हैं उसमें गंदुम है इसके अलावा ऑयल सीड की बहुत सारी हैं फसलें जो हम लगाते हैं इसके साथ साथ हमें ये भी है कि हमारी जो कुछ आ, इलाकों में वो आ, जो वेजिटेबल्स हैं और इसके साथ साथ फ्रूट्स उनका भी आ, जो है सिलसिला शुरू हो चुका है तो ये आ, बड़ा ही एक धमाकेदार होता है ये सीज़न क्योंकि इसमें बहुत सारी जो फार्मर हैं वो हमारी जो जो बेसिक हमारा फूड है यानी कि गंदम उसके मतलक जो है वो आ, आ, उसका बंदोबस्त करते हैं ना सिर्फ अपने लिए करते हैं बल्कि पूरे मुल्क को कौम के लिए करते हैं और ये एक इंतहाई मेरे ख्याल से आ, बड़ा ही जोरदार इसका सीज़न का आगाज़ होता है लेकिन इसके साथ साथ सीज़न का जहाँ तक आगाज़ हो गया है और हमने तो पहले ही किसान मददगार ने आपको इसके मतलब जो है बारहा हमने इसके अच्छे सीट के मतलब और अच्छी जो आ, आपकी जो प्रोडक्शन प्लान हैं उसके मतलब आपको बार बार कराया कि इसको ज़रूर फॉलो करें क्यों क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी ये फ़सल जो है इसके ऊपर पूरा मुल्क जो है वो उसका मदार होता है क्यों क्योंकि हमें गंदुम इस साल भी इम्पोर्ट करनी पड़ी है और इंपोर्ट डॉलर्स में करनी पड़ी है जिसमें के मुल्क का ज़र मुबादला इसके साथ साथ महंगाई जो है जो कि फूड इन्फ्लेशन जो कि एक दर्ज सर है पूरी कौम के लिए कि खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि इसके मतलब अब बार बार क्या कहा जाए सिर्फ ये है कि वे किस तरीके से रुक जाएं क्योंकि रुकना बहुत ज़रूरी है इन कीमतों का तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा ये जो, जो सीज़न शुरू हो रहा है इसमें गन्ना भी काश्त होता है कुछ इलाकों में और बहुत सारे इलाकों में तो गन्ना काश्त होता है इस सीज़न में इसके अलावा जो गंदम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर है तो अब क्या ऐसे इकदाम लिए जाए जिससे कि हमारी जो ये फसल है और इसके साथ साथ किसान छोटा किसान खसूसा उसके मतलब जो है वो हमें सोचना चाहिए तो इस प्रोग्राम के तवस्त से हम ये जो फैसला साज इदारे हैंकूमत है इसके साथ साथ जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन सब सबको ये चीज़ उनके इल्म लाना चाहते हैं कि जब तक के हमारे किसान को फाइनेशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक हम उसको इस मुल्क की जो ज़रूरियात हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि किसान को अगर पैसे होंगे तो वो अच्छा सीड खरीदेगा पैसे होंगे तो वो यूरिया ख़रीदेगा पैसे होंगे तो वो डीएपी ख़रीदेगा और अगर पैसे होंगे तो वो एक मशीनरी के ऊपर आएगा जिससे कि बेहतर फसल ली जा सके और ज़्यादा फसल ली जा सके जैसे कि हमने कहा कि गंदम में हम खुद कफील नहीं हैं हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन तमाम जो मैंने अर्ज़ किया आपसे कि ज़रूरिया हैं किसान की वो उसको कदरे कम कीमत के ऊपर फराहम की जा सकें तो इसका क्या हल है इसका हल बड़ा सिंपल है जी हल ये है कि पाकिस्तान के तीन बड़े जो मसाइल हैं इस वक्त जो किसान जिनको देख रहा है उसमें नंबर तीन में जो एक सबसे बुनियादी नुकता है वो है इसे हम कहते हैं वसाइल या पैसों की फ़रा हमारे पास बहुत सारे ये सीज़न में और पिछले सीज़न से मैं आपको ज़ाती जो मुशाह है हमारा जो किसान मददगार का जो चैप्टर है किसान दुकान का जो हमारी जो आपकी सर्विस है उसमें बहुत सारे लोग बेचारे ये कहते हैं जी कि हम सीड अच्छा लेना चाहते हैं नई वैराइटीज़ अकबर दिलकश अरूज सुबहानी नवाब ये तमाम वहाँ पे अवेलेबल हैं पीर सबाक पक्तून खा खैबर पखतूनखा के जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए बेहतरीन सर्टिफाइड सीड अवेलेबल है लेकिन वो ये कहते हैं कि जी हम बुकिंग तो करवा लें लेकिन मसला ये है कि हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं क्यूं? क्यों क्योंकि हमारी अगर चावल की फसल बिकेगी या हमारी मकई की फसल बिकेगी या जो भी फसल हमने लगाई हुई है तो हमें जो उसके पैसे नहीं मिले और अगर हमें पैसे मिलेंगे तो फिर हम ये चीज़ें खरीदेंगे अब आप अंदाज़ा करें कि अगर खाली बेहतर बीज के लिए अगर उनको इंतजार करना है तो फिर उनको डी के लिए भी इंतजार करना है उनको यूरिया के लिए भी इंतज़ार करना है उन्होंने ज़मीन की तैयारी करानी है तो सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जो ट्रैक्टर वाला है उसको भी इंतजार करना पड़ेगा और इसके साथ साथ दीगर जो लवाजमत हैं उसको अगर उन्होंने देखना है तो वो उसको तमाम वो कहते हैं अंग्रेजी में कि मनी मेक्स द मेयर गो यानी कि पैसा होता है तो पैसा होगा तो फिर तमाशा होगा यानी कि पैसे के बग़ैर जो है वो किसान नहीं चल सकता तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जो माली इदारे हैं स्टेट बैंक ने खूस पिछले हफ़्ते एक बहुत अच्छा एक सेमिनार किया जिसमें तमाम बैंक्स को बुलाया गया और उन बैंक्स को कहा गया कि वो एग्री क्रेडिट यानी कि गरीब किसानों के जो कर्जे हैं उनके फरहमी यकीनी बनाएँ और छोटे किसान जो उनसे हैं वो इनसे जो है इस सर्विस से जो है वो इस्ता हासिल कर सकें और हमने वहाँ पे आपकी आवाज़ बनकर उसमें में शामिल भी हुए और किसान मददगार कौन के वेगरी ने आ, किसान छोटे किसानों के खूस मतलब वहाँ पे बातचीत भी हुई तो अब बैंकों को ये चाहिए कि वो एक फेवरेबल इसे कहते हैं कि किसानों के लिए कम सूद वाले या बिला सूद जो कर्जे हैं वो उनकी यकीनी फरहमी की जा सके और तमाम बैंक जो से हैं माली अदारे वो अपनी ये प्रोडक्शन जो सी है यानी कि अपनी प्रोडक्ट्स जो सी हैं वो किसानों के लिए खसूस एग्रीकल्चर के लिए वो फराम कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्फीद हों और हमारा मुल्क इसमें हमकनार हो इसके अलावा मेरे ख्याल से एक बहुत बुनियादी नुक़सा है वो है क्रॉप इंश्योरेंस का जिसे हम कहते हैं कि जो मौसमी असरात हैं इसके अलावा जो दीगर आ, हालात हैं उसको देखते हुए कभी तु, 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 आ, हमारे पास सैलाब आ जाता है कभी याला होती है कभी जो है वो आ, जिसे हम कहते हैं हीट वेव यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उससे जो पैदावार पे नुक, नुकसान होता है उसको देखते हुए इंश्योरेंस का होना भी बहुत बुनियादी नुकता है कि ताकि किसान को कम अज़ कम कोई ना कोई ऐसा एक उसके पास तरीक़ा हो या एक उसके पास सहारा हो जिसे हम जिसके मुताबिक वो अपनी फसल अगर ख़ुदा न खास्ता खुदा नखास्ता अगर उसमें कोई आ, मसला आता है तो वो उसको आ, हल कर सके किसान मददगार अनकरीब अपनी इंश्योरेंस सर्विस भी आपके लिए हाजिर करेगा और इस सिलसिले में हमारी मुख्तु बैंक से और इंश्योरेंस कंपनियों से इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी बातचीत चल रही है मुझे उम्मीद है कि करीब इस सीज़न में आप ये सर्विस भी आपके पास हाजिर होगी आगे चलते हैं जी एक ख़तरनाक खबर है लेकिन खबर है कि हुकूमत जो है वो गैस की जो सब्सिडी है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर पे से ख़त्म करना चाह रही है वो कह रहे हैं कि जी इससे जो है वो गरीब किसान को डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होता और बल्कि यूरिया जैसे कि हमने पिछले कई प्रोग्रामों में अपने जिक्र किया है कि मुल्क से जो यूरिया है वो स्मगल होता है पड़ोसी मुल्कों में क्यों क्योंकि इंटरनेशनल जो जिसकी कीमत है फर्ट यूरिया की खसूस वो पाकिस्तान के मुकाबले में कदरे ज़्यादा है इसलिए सस्ता क्योंकि यहाँ से मिलता है इसलिए स्मगल होता है और पड़ोसी मुल्कों में चला जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सस्ती गैस यानी कि महंगी गैस भाई से ख़रीदते हैं हम उसका जो यूरिया बनाती हैं कंपनियाँ उनको सस्ती दी जाती है ताकि वो किसानों को दे सकें लेकिन उसका फ़ायदा दीगर ममालिक किसान जो उनसे हैं पड़ोसी ममालिक वो ले रहे हैं अगर तो ये एक बहुत ही अजीब दास्तान है इसको कंट्रोल करना स्मगलिंग रोकना ये मेरे ख़्याल से जो बॉर्डर के ऊपर जो फोर्सेस हैं उनका काम है लेकिन हुकूमत ने ये कर रही है कि वो पाकिस्तान के किसानों के लिए छः से सात सौ रुपये यूरिया महंगा करने जा रहे हैं इसका असर ये पड़ेगा जी कि क्योंकि सस्ती नहीं रहेगी यूरिया तो इसलिए स्मगल नहीं होगी चलें ये पहले भी महंगी हुई है ये पिछले दो सालों में देखें तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये अपनी कीमत जो उन दो से तीन साल में ये तीन गुना बढ़ गई है तीन गुना बढ़ने से किसान के ऊपर और ये कहते हैं कि तीन परसेंट सिर्फ यूरिया इस्तेमाल होता है या फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होता है तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे शायद कैलकुलेशन उनकी ठीक नहीं है यूरिया या खादें एक अहम नुकत हैं और एक लागत जो है फ़सल की उसमें इनका जो जो परसेंटेज है जो उनकी जो हिस्सा है वो कहीं ज़्यादा है तीन या चार से तो इसको देख के सोच समझ के मेरे ख्याल से जो मिनिस्ट्री है ऑयल एंड गैस की इसके साथ साथ उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और, और मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी जोनसी है यानी कि ज़ारत ज़रात जिसे हम पहले कहते थे उसको राय लिए बग़ैर ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए लेकिन ये खबर है और इस खबर की मुस्तनद ख़बर ये पब्लिश भी हुई है तो इसलिए मैं पहले से ये आपकी ख़मत में अर्ज कर रहा हूँ कि ये खबर है और इसके मतलब हम किसान आ, मददगार एक आवाज़ के तौर पर जो मुतलका हल्के हैं मिनिस्ट्रीज हैं उन तक ये बाश गुजार करना चाहता है कि किसानों को देखा जाए कि उनके मतलब इस आ, उनकी जो आ, फराम की जाती हैं और ये खादें लाइनों में लगा कर उसकी दादसी होनी चाहिए और इसको महंगा मजीद नहीं होना चाहिए क्योंकि कीमतें ऑलरेडी ज़्यादा हैं कीमतें ब्लैक में मिलती है खाद और ये मेरे ख़्याल से ये तौर तो तरीका इस तरह ज़रात तरक्की नहीं कर सकती तीसरे नंबर पे एक इंटरनेशनल ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं और उसके मुताबिक आपको एक जो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके मतलब बताते हैं एक अहम नुकता है दुनिया में खसूस एक सौ तीस फीसद अमेरिका में ऑलिव ऑयल की कीमत बढ़ गई है पिछले साल के मुकाबले में वजह बड़ी सिंपल है मौसमी असरात की वजह से जो मेडिट्रेन रीजन है यानी कि जो स्पेन इटली पुर्तगाल इन ममालिक में अब जो ऑलिव है यानी कि जैतून है उसकी पैदावार में काफ़ी कमी आई है उसकी वजह से सप्लाई क्योंकि कम हो गई डिमांड ज़्यादा है तो दुनिया भर में इसकी कीमतें 130 फ़ीसद से ज़्यादा ऊपर चली गई हैं इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो डबल इस पर मार पड़ेगी क्यों क्योंकि ना सिर्फ कि हम इसे इम्पोर्ट करते हैं तो ये दुनिया में महंगा हो गया है प्लस हम डॉलर में इम्पोर्ट करते हैं और डॉलर और रुपये की जो आ, है सिलसिला उसमें आपने देखा है कि हमें ज़्यादा इसमें माल पड़ेगी या पड़ती है और इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो इसका हल क्या है हल बड़ा सिंपल है क्योंकि कीमतें ज़्यादा हैं और आपने देखा होगा कि अभी तिल की कीमत या तिली की कीमत जिसे कहती हैं या सूरजमक्खी सनफ्लावर कैनोला मस्टर्ड सोयाबीन इन तम तमाम जो ऑयल के या त, खुदनी तेल की जो अजनास हैं उनकी कीमतें ऊपर जा रही हैं तो क्यों ना इस सीज़न में अगर अच्छे पैसे अगर आपने कमाने हैं या अच्छे उसकी जो मांग है वो अगर लेनी है तो ऐसी मसनूआत या ऐसे अजनास हम काश करें जिनमें कि हमारी सेफ़्टी ज़्यादा हो हमें अच्छे पैसे मिल रहे हों किसान न सिर्फ कि वो मुनाफा कमाए बल्कि उसका अगला सीज़न भी बेहतर हो यानी कि उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल यानी कि अपने ऊपर उसकी एक ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने वसायल को बुरे ला सके तो इसलिए आपसे अर्ज़ ये है कि दुनिया में कीमतें क्योंकि बढ़ रही हैं और इसमें कोई आगे आ वाले दिनों में मज़ीद इसमें इजाफ़े की इम्कान नज़र आ रहे हैं या कम अज़ कम वो कीमतें वैसी ही रहेंगी तो आप क्यों ना अब ऑयल वाले अजनास जो हैं यानी कि खुदनी तेल जिनसे हासिल होता है उनको काश करें इस सिलसिले में किसान मददगार आपको कैनोला राया सरसों और सबसे बढ़ कि हम अपना जो आपके लिए ला रहे हैं या लाए हैं ऑलरेडी उसके बेहतरीन रिज़ल्ट आए हैं आप देखिएगा हमारे चैनल पे कि कितना ज़बरदस्त हमारा जो एट टू फोर वन एट टू फाइव वन बावन सत्तर जो आ, सीड है जो हमारे पार्टनर्स ने हमें फ्राहम किया है उससे इंतहाई शानदार पैदावार आई है और उसमें कोई डर नहीं है कि उसमें दो नंबर या सेग्रीगेशन हुई हुई है मिक्स सीड नहीं मिलेगा आपको गारंटीड सीड मिलेगा हमसे तो आपसे यही गुजारिश है कि आप ऐसी फसलें काश करें जिनसे कि आगे मुनाफा ज़्यादा नजर आ रहा है और हमारा फ़र्ज है कि आपको इस किस्म की मालूम फ्राहम करें आपका अपना ये चैनल है आप ज़रूर इस पर अपनी राय से आगाह करें अपने सवाल पूछें इन आपसे अगले प्रोग्राम में ज़रूर हम मिलेंगे और आपकी जो राय है और आपके सवालत का जवाब भी देंगे बहुत शक्रिया असल